हो गया, ये सारी चीजें महंगी करके किस चीज का उत्सव मना रही है कांग्रेस? गवर्नमेंट को कर्मचारियों को तनख्वाह देने को तो पैसे नहीं है, पेंशनरों को पेंशन देने को, वो एक्ट के अंदर है। विक्रमादित्य जी ने को अलग से नहीं बोला, और जो अनुरोध ने बोला वो भी अलग से नहीं बोला। लेकिन हाईकमांड इतनी लंबी पड़ गई है कुछ ऐसे ग्रुपों के अंदर, तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक अच्छा काम की शुरुआत की है और कांग्रेस के लिए भी अच्छा। और दूसरा चरण हमारा शुरू हो गया है, दूसरे चरण में 10,000 हम लोग और करेंगे और 25,000 सदस्यता हम उन्नाव विधानसभा क्षेत्र के अंदर करेंगे। तो आज उसी कड़ी में पूरे जिला की सदस्यता अभियान की समीक्षा करने के लिए मीटिंग रखी गई है, और इस मीटिंग के अंतर्गत आज जो ध्यान में आया है उसमें ध्यान में आ रहा है कि सब कार्यकर्ता अपने काम में लगे हैं और जल्दी जल्दी ही इस सदस्यता अभियान को कम्प्लीट करके हम लोग समाप्त करेंगे। सभा अभी हाल ही में जो है वो माता श्री चैतपूर्णी महोत्सव संपन्न हुआ है, लगातार उसको लेकर उंगलियां उठती रही है, चाहे जिला प्रशासन की बात हो सरकार की बात हो, भाजपा इसको लेकर क्या मानती है? देखो, भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश मेलों और त्योहारों का प्रदेश है, पूरा देश ही हमारा मेलों त्योहारों का प्रदेश है। बड़े बड़े नवरात्रों के दिनों में फंक्शंस होते हैं, उनको सरकारें ऑर्गेनाइज नहीं करती हैं। दशहरे होते हैं, हजारों लोग उसमें आते हैं, सरकारें ऑर्गेनाइज नहीं करती हैं, ना ही किसी से पैसे की उगराही होती है। और इसी तरह से अन्य मेले भी होते हैं, लोग अपने आप मेले करते हैं। लेकिन एक नया ट्रेंड चल पड़ा कुछ सालों से कि बड़े बड़े कलाकार मंगवाओ, उनको 10-10 लाख रुपया दो और 10-10 लाख रुपए में कमीशन लोग खाते हैं। बीच में ऑर्गेनाइजर ऐसे लोग आते हैं जो उसमें से लेन देन का हिसाब करते हैं, और एक मेले के नाम पर करोड़ों रुपया वहाँ पर बहाया जाता है, और उसमें सारे अधिकारी 15-15 दिन तक दफ्तरों में ना बैठ करके आम जनमानस से उग्राही करते हैं, पर्चियां काटते हैं मेले के नाम पर। वो अधिकारी और कर्मचारी बेचारे मजबूर होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उनको कहती है, लीडर उनको कहते हैं। मेरा ये प्रश्न है कि आज हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 साल से त्रासदी से हजारों सैकड़ों लोगों की जान गई, हजारों लोगों के घर चले गए, हजारों लोगों की जमीन बह गई। प्रदेश गवर्नमेंट ने 4500 करोड़ रुपया पैकेज देने का ऐलान किया था, लोगों को जमीन नहीं मिली मकान बनाने के लिए, लोगों को मकान बनाने को पैसा नहीं मिला, और लोगों का हेम केयर का कार्ड बंद हो गया, लोगों के स्कूलों के अंदर वर्दियाँ बंद हो गई। हिमाचल प्रदेश के अंदर पानी का नया 100 रुपये का बिल हर महीने व्यक्ति को देना पड़ेगा, हर घर को उसका एक नया बिल आ गया। 125 रुपये बिजली के यूनिट बंद हो गए, ऐसे ही बहुत सी चीज़ें, 7 रुपये पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया। ये सारी चीज़ें महंगी करके किस चीज़ का उत्सव मना रही है कांग्रेस सरकार? मैं नेताओं से पूछता हूँ कि तुम लोग लोगों को सहूलत देने के लिए आए हो या कलाकारों को नचाने के लिए आए हो? लोग आते हैं जाते हैं और उसमें लड़ाई झगड़े होते हैं और आम आदमी से पैसा इकट्ठा किया जाता है, जो बिल्कुल एक तरह का जिसको कहते हैं गुंडागर्दी का टैक्स है। और माता चिंतपूर्णी का महोत्सव हुआ, माता चिंतपूर्णी पूरे विश्व में मशहूर है, लोग आते हैं, इतने मेले होते हैं, पूरे देश से लगभग 25 करोड़ रुपया लोग आते हैं वहाँ पर जमा करवाते हैं और उस एरिया की डेवलपमेंट होती है। लेकिन उस पैसे को निकाल करके आपने उसका दुरुपयोग करना और अपने चहेते लोगों को लाना, मुझे प्रदेश सरकार बताए कि उस मेले के अंदर क्या हिमाचल के किसी बड़े कलाकार को बुलाया था जो हमारी संस्कृति है? क्या किसी लोकल कलाकार को वहाँ पर प्रमोट किया जो हमारी संस्कृति है? लेकिन वहाँ पर 100 कार्ड बड़े कलाकारों को अच्छी बात है, वो कलाकार भी संस्कृति को आगे लेके जाते हैं, लेकिन लोगों से पैसा इकट्ठा क्यों गवर्नमेंट कर रही है? खुद करे ना गवर्नमेंट, अगर किसी ने मेला करना खुद करे, खुद गवर्नमेंट से पैसे दे। गवर्नमेंट को कर्मचारियों को तनख्वाह देने को तो पैसे नहीं है, पेंशनरों को पेंशन देने को पैसे नहीं है, TADA देने को पैसे नहीं है, तो किस चीज के उत्सव हो रहे हैं? ये जो मेला था ये माता श्री चिंतपूर्णी के नाम से था, लेकिन अगर बात की जाए तो तीनों दिन जो है वो गीत संगीत जो है वो गाने ही चले, माता के नाम का एक भी जो है वो कार्यक्रम नहीं। मुझे जानकारी मिली है माता के नाम पर एक भजन तक नहीं गाया गया, और माता चिंतपूर्णी को जा तक नहीं किया उन कलाकारों ने, उनको पता ही नहीं होगा बेचारों को, ना किसी ने बताया होगा कि भाई साहब वो अच्छे कलाकार थे, उनको बोलते तो शायद 2 माता की भेंटे भी वो गा देते। ध्यान में लाना पड़ता है आदमी को कि इस जगह का महत्व क्या है और आपको हम लोग इस मेले में क्यों लेकर के आए हैं। हो सकता है उनके ध्यान में नहीं आया, ये स्थानीय ऑर्गेनाइजर का कसूर है कि उनको हिमाचल के कलाकारों को लाना चाहिए था। माता चिंतपूर्णी का जो मेला हुआ उसको गवर्नमेंट को खुद पैसा देना चाहिए, और खुद पैसा दे करके जनता को अगर उन्होंने मनोरंजन करना है तो जनता के मनोरंजन से पहले जनता को सहूलियत देना। बच्चों की वर्दियाँ क्यों बंद की, मैं इनसे पूछता हूँ, गांवों के अंदर पानी का बिल 100 रुपये आएगा जो क्यों इन्होंने किया, बिजली का बिल इन्होंने 125 यूनिट क्यों खत्म कर दिया? तो ये सारी बातें प्रश्न चिन्ह है इस सरकार के ऊपर। जो सरकार
मेले और त्यौहार मना करके लोगों का ध्यान बटाना चाहती है, जिसके कारण इनकी जो कमियां हैं वो छुप जाए। सभा जी, विक्रमादित्य सिंह का एक बयान आया जिसने उसने जो है वो जोगी मॉडल को हिमाचल में भी लागू करने की बात कही, कहीं ना कहीं उस बयान के बाद कांग्रेस के बीच ही हलचल जो है वो पैदा हो गई, भाजपा इसको लेकर क्या मानती है? नहीं, मेरा ऐसा मानना है, जोगी मॉडल तो चलो एक मीडिया के लोगों ने उसको लिखा, क्योंकि योगी जी ने इस चीज को मजबूती से लागू किया। जो कंज्यूमर एक्ट है उसके हिसाब से जो सारी चीजें फाइनल है, इसी तरह से जो फूड सेफ्टी एक्ट है उसके अंदर भी ये सारी चीजें लिखी हुई है। ऐसे करके हमारी वेंडर्स से संबंधित जो पॉलिसी बनाने की कमेटी बनी है, उसकी हमारी 3 तारीख को 3:30 बजे शिमला में मीटिंग है, उसके अंदर भी हम लोगों ने कुछ चीजें निकाली है। मैंने स्टडी किया था, जो विक्रमादित्य सिंह जी ने बोला वो एक्ट के अंदर है, विक्रमादित्य जी ने कोई अलग से नहीं बोला, और जो अनुरोध ने बोला वो भी अलग से नहीं बोला। लेकिन कांग्रेस की हाई कमांड इतनी लंबी पड़ गई है कुछ ऐसे ग्रुपों के अंतर्गत वोटों के चक्कर में, जिससे इतने बड़े सीनियर लीडर्स को बुला करके दिल्ली में डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक अच्छा काम की शुरुआत की है, और कांग्रेस के लिए भी ये अच्छा है कि राष्ट्रहित के मुद्दों को आगे बढ़ाना, वरना कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है वो राष्ट्रीय मुद्दों से हटने के कारण ही हुई है। इन दो अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने जो बयान किए हैं या जो उन्होंने सुझाव दिए हैं, तो मुझे लगता है वो अच्छा सुझाव है। कोई भी व्यक्ति अच्छा सुझाव देगा उसका समर्थन होना चाहिए, और जो एक्ट के अंतर्गत है वो एक्ट से बाहर नहीं गए हैं, लेकिन इनकी दिल्ली हाईकमांड को मिर्चें लगनी शुरू हो जाती हैं, तो उसके कारण आज कांग्रेस के अंदर जो खलबली है वो कांग्रेस के अंदर खलबली आने वाले टाइम में और बढ़ेगी। ये जो कमेटी बनी है इसके आप भी सदस्य हैं, तो क्या कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों को लेकर, इन सुझावों को लेकर जो है विचार किया जाए? हाँ, मैं 3:30 बजे 3 तारीख को वहां जा रहा हूँ, और रणधीर शर्मा जी हमारी ओर से, अनिल शर्मा जी हमारी ओर से, और मैं हूँ, ऐसे बीजेपी के 3 विधायक हम लोग हैं। तो उसमें हम लोग सुझाव देंगे, हिमाचल प्रदेश के जितने भी लोग हैं उन लोगों को वेंडर्स के नाते आगे बढ़ोतरी देनी चाहिए। हमारे अपने बहुत बेरोजगार लोग हैं, बाहर से आकर के अनाधिकृत लोग सड़कों के ऊपर बैठ जाते हैं। शिमला में अगर आप जाएंगे, लोअर बाजार में चलने को जगह नहीं है, मिडल बाजार में चलने को जगह नहीं है, कार्ट रोड के ऊपर चलने को जगह नहीं है, लक्कड़ बाजार में चलने को जगह नहीं है, और लोग मार रोड की तरफ भी बढ़ रहे हैं, SBI बैंक के पास और हमारा जो माता कालीवाड़ी का मंदिर है उसके नीचे भी लोगों ने सड़क के बीच फड़ियां लगा दी हैं। टूरिस्ट को निकलना मुश्किल हो जाता है जब गाड़ी आती है, पैदल चलने वालों को मुश्किल हो जाती है। ऐसे अलग अलग जगहों के ऊपर आप ऊना के अंदर देखते हैं कितने रेड़ी फड़ी वाले हैं, लगभग मुझे लगता 100 आदमी का परमिट है और 200 आदमी घूम ही जा रहे हैं। वो कहाँ से हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, उन लोगों का आई कार्ड देखना चाहिए, उनका आधार कार्ड बनना चाहिए, उनका नगर परिषद के अंदर फड़ी लगा रहे हैं तो वहाँ उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ग्राम पंचायत के अंदर अगर वो घूम रहे हैं तो ग्राम पंचायतों की परमिशन उनको तहसीलदार SDO के माध्यम से लेनी चाहिए, और अगर कोई आई कार्ड पूछे तो उनका आई कार्ड उनको दिखाना चाहिए।